दोस्तों, अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, अपनी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बेचते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि हमें अपनी सर्विस की प्राइस क्या रखनी चाहिए, किस प्राइस में अपनी सर्विस बेचनी चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन खुला होता है कि आप अपने सर्विस की प्राइस को अपने अकॉर्डिंग काफ़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। आपके एफर्ट्स, आपके एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स ही हैं जो आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि हम अपनी सर्विस की प्राइस क्या रखें, सामने वाले को क्या ऑफर करें कि वो हमारी सर्विस परचेज़ कर लें। हमें कॉम्पिटिशन भी फेस करना है, अपने खर्चे भी पूरे करने हैं और उसमें प्रॉफिट भी निकालना है, तो प्राइस क्या रखनी चाहिए। बहुत से लोग इस प्राइसिंग में ये गलती करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं कि कौन सबसे कम प्राइस दे रहा है और कौन सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहा है, और उसके बीच में कहीं पर अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं, अपनी सर्विस की वैल्यू को ध्यान में ना रखते हुए। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स की केवल प्राइस देखी कि ये सबसे लोअर प्राइस है और ये सबसे हायर प्राइस है। इसके बीच में कहीं एवरेज हम एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और इसी प्राइस को हम सामने वाले को ऑफर करेंगे। लेकिन अभी तक आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के पैकेजेस नहीं देखे कि वो क्या दे रहे हैं एक्चुअली, क्या वो इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं जिसके हिसाब से उन्होंने प्राइस रखी है। क्योंकि जिसने सबसे कम प्राइस रखी हुई है, वो एक्चुअली सर्विस क्या दे रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। अगर आपने इन चीज़ों को स्टडी किए बिना उनकी प्राइस को देखकर अपनी एवरेज प्राइस डिसाइड कर ली है, तो आप गलत कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर से स्टडी की है कि ये सबसे हायर प्राइस ले रहा है या सबसे कम प्राइस ले रहा है, और इसके बीच में हम एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, हम इस प्राइस में सामने वाले को देंगे। लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है कि आपने 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, जबकि ये जो प्राइस कम ले रहा है उसके पास केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो एज अ फ्रेशर काम कर रहा है, एज अ स्टार्टअप काम कर रहा है। आपने उन चीज़ों को एनालाइज नहीं किया और अपनी वैल्यू आपने बहुत कम कर दी। आपको इससे बचना चाहिए। अपनी वैल्यू को, अपनी सर्विस की वैल्यू को, अपने टाइम की वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी प्राइस कम कर दी, तो कहीं ना कहीं कस्टमर साइकोलॉजी के हिसाब से उसके दिमाग में ये भी आता है कि जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। और अगर कस्टमर की इस साइकोलॉजी में आप फंस गए, तो आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो कोशिश करिए, अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को स्टडी करिए, लेकिन उनकी क्वालिटी को, उनकी वैल्यू को ज़रूर स्टडी करिए कि वो एक्चुअली दे क्या रहे हैं। आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, आपने सोशल मीडिया प्रमोशन भी दिए हैं, आपने अलग अलग तरह के कैंपेन्स ऑफर किए हैं, आपने अलग तरह की वेबसाइट्स ऑफर की हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफर की हैं, लेकिन अपनी प्राइस आपने लो कर दी, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपका भी नुकसान होगा और इंडस्ट्री में बाकी के लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए अपनी प्राइस को अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग रखिए। जितना आपको नॉलेज है, जिस हिसाब से आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्राइस आप ऑफर करिए। और आप अपनी प्राइस इस बेस पे नहीं ऑफर कर रहे हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल तक काम किया है उस इंडस्ट्री में, आपको अच्छा खासा नॉलेज है। आपने भले ही आज उनको प्राइस ऑफर की, उनको थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन उस टाइम में जो काम आपने उनके लिए किए वो बहुत वैल्यूएबल है। उसके लिए आपने 10 साल पहले एफर्ट दिए हैं, 10 साल तक उसके लिए काम किया है, उन चीज़ों को सीखा है, तो आपको वो वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए कभी। अगर अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, अपना कुछ फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।